यदि आपने मैलेट कैसे बनाए भाग पहला देखा है तो अब आप मैलेट का हैंडल बनाना शुरू कर सकते हैं। चरण पहला, हैंडल काटना। फुटे की सहायता से लकड़ी की ऊपरी हिस्से पर 2 सेंटीमीटर का निशान लगाए। गुनिये का प्रयोग करते हुए निशान पर एक लाइन खींचे। यह 2 सेंटीमीटर का हिस्सा मैलेट के सिर की ऊपरी हिस्से से बाहर निकलेगा। अब हैंडल के ऊपर 2 सेंटीमीटर के निशान के नीचे सिर रखें और हैंडल पर सिर से निचले हिस्से के साथ निशान लगाएं। निशान के ऊपर लाइन बनाने के लिए गुनिये का प्रयोग करें। सिर के निचले हिस्से से नीचे लगभग 2 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाएं जहां पर टेपर खत्म होता है। गुनिये की सहायता से निशान के साथ एक लाइन बनाएं। मार्किंग गेज को 1 सेंटीमीटर पर सेट करें और हैंडल के दोनों ओर लाइन बनाएं। इन्हें पेंसिल की सहायता से गहरी करें। यह माप लकड़ी की लंबाई, चौड़ाई और उस हैंडल की चौड़ाई पर निर्भर करेगी जिसे आप आराम से पकड़ सकते हैं। यहाँ हम 5 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी को 3 सेंटीमीटर में काट रहे हैं। दूसरी तरफ और साथ ही सिरे पर 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाएं और गहरी करें। सिरे को ऊपर की ओर रखते हुए हैंडल को शिकंजे में कसें और 1 सेंटीमीटर की लाइन को उस निशान तक काटें जहां से टेपर शुरू होता है। अब लकड़ी को दूसरी ओर घुमाएं और 1 सेंटीमीटर की अतिरिक्त लकड़ी काटें। हैंडल की सतह को साफ करने के लिए रंधे का प्रयोग करें। कट के शोल्डर तक पूरी तरह से पहुंचने के लिए स्पोक शेव और चौरसी का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर भी इसी तरह दोहराएं। चरण दूसरा, हैंडल के ऊपरी हिस्से को तिरछा बनाना। वर्कबेंच पर हैंडल रखें। सिरे के ऊपरी हिस्से के निशान की 2 सेंटीमीटर की लाइन के अपने अपने सिरों के साथ दोनों शोल्डर्स के कोनों को जोड़ने के लिए फुटे और मार्किंग नाइफ का प्रयोग करें। लाइन गहरी करने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। हैंडल को शिकंजे में कसे और वहां पर टेपर बनाने के लिए चौरसी से काटना शुरू करें जहां हैंडल सिर के अंदर जाएगा। रंधे और स्पोकशेव के प्रयोग से टेपर को एक समान बनाया जा सकता है। फुटे की सहायता से एक समानता जांचें। लकड़ी को घुमाएं और दूसरी ओर भी इस प्रक्रिया को दोहराएं। अब हैंडल और सिर की बुनियादी माप तैयार है। अब आप एक खुला मोर्टिस बना सकते हैं जो दोनों टुकड़ों को एक साथ पकड़ेगा। आगे की प्रक्रिया जानने के लिए मैलेट कैसे बनाएं भाग 3 देखें।